हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थानी दाल बाटी चूरमा की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें। तो आइए दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप दाल ली है। ये तूर की दाल है, इसे अरहर की दाल भी बोला जाता है। अब इसमें मैं डालूँगा पानी, यानी कि अपनी ज़रूरत अनुसार पानी डालना है। ये लगभग 1 से 1.5 कप पानी डालना है ताकि दाल अच्छे से डूब जाए। अब एक हम दूसरी कढ़ाई या फिर कोई पतीला लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 कप पानी। पानी को हम उबलने देंगे। अब हम बाटी के लिए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ी प्लेट में 5 कप आटा लिया है। आटे में मैं डालूंगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है आटे में अच्छी तरह फैल जाए। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगा 1/2 कप देसी घी। घी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें अच्छा खस्तापन आए। आप अगर चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। को अच्छी तरह मिक्स करते हुए, दोनों हाथों का यूज़ करते हुए हम इनका मोयन लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मोयन लगने के बाद हम इसे चेक करेंगे, हाथों में थोड़ा सा आटा लेंगे, उसे दबा कर देखेंगे तो देखेंगे कि मुट्ठी बन रही है, यानी कि हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हमारी दाल की तरफ हम देख लेते हैं। हमारी दाल है, हमने भिगो भी इसे 10-15 मिनट के लिए भिगो दी थी। अब दाल का जो पानी है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी फिर से डालकर हम एक बार और धो लेते हैं दाल को। तो इस पानी को अभी हम बाहर निकाल देंगे। हमारा पानी है जो हमने उबलने के लिए छोड़ा था, पानी उबल गया है। इसमें हम दाल को डाल देंगे। अब दाल को सॉफ्ट होने तक हमें उबालना है मीडियम फ्लेम पर। अब हमारा बाटी का आटा हम चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छा सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका हमने अच्छा सा नरम आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम चूरमे के लिए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। तो एक प्लेट में मैंने लिया है 2.5 कप आटा, एक गेहूं का आटा है। इसमें हल्की सी जगह बनाएंगे। इसमें मैं डालूंगा 1/4 कप देसी घी। यहाँ पर हमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें भी हम मोयन लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगा 1/2 कप दूध। दूध को डालने के बाद इसे सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे पानी डालकर अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। आटा हमें ऐसा गूंथना है जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो हमने मीडियम साइज का आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। इसे भी हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब हमारी दाल को हम चेक कर लेते हैं, दाल पकी है या नहीं। तो अभी दाल हमारी थोड़ी कच्ची है, अभी ये पकी नहीं है। अब हमारे बाटे के आटे को हम चेक कर लेते हैं। इसे हम एक बार थोड़ा सा मसल कर गूंथ लेंगे।
तो आटे को हमने गूंद लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और उसकी हम बाटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर बाटियों में इस तरह थोड़ी सी क्रैक्स आ रहे हो पीछे की तरफ तो हम इसे बंद कर देंगे इस तरह। और फिर से हम इसे गोल कर लेंगे। तो हमारी बाटी बनकर तैयार है। इसे हम किसी दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह हम सारी बाटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने बाटियां हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब बाटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बाटी वाला कुक कर लिया है, जिसे हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब कुकर गर्म हो जाए तो हम इनमें सभी बाटियों को रख देंगे। बाटियों को रखते टाइम हमें ध्यान देना है कि इनमें थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए, यानी कि बाटियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह हम रखेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। अब हम दाल को चेक कर लेंगे। तो हम दाल को अपनी उंगली से अच्छे से दबा कर देखेंगे कि दाल है वो हमारी मैश हो रही है, यानी कि हमारी दाल है वो कुक होकर तैयार हो गई है। अब जो चूरमे का आटा था उसे भी हम एक बार मसल लेंगे अपने हाथों से अच्छे अच्छी तरह। अब इस आटे को हम 4 भागों में बांट देंगे। फिर आटे का एक भाग उठाएंगे और उसे हम जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम गोल कर देंगे इसे। तवे को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक लोई लेंगे और उसे हम बेलन की सहायता से मोटा मोटा बेल लेंगे। तो हमने रोटी को अच्छी तरह बेल लिया है। अब देख सकते हैं इतना मोटा हमें रोटी को बेलना है। ध्यान रहे रोटी को हमें पतला नहीं बेलना है। तो रोटी के ऊपर हम फोक की सहायता से इस तरह छेद कर देंगे ताकि हम रोटी जब सेके वो अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक जाए। अब तवे पर हम रोटी को डाल देंगे और रोटी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम नीचे से सिकने देंगे। तो रोटी नीचे से सिक गई है। दूसरी तरफ से भी रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। तो जब तक हम रोटी सेकते हैं इतने में हम बाटियों को चेक कर लेते हैं। तो हमारी बाटियां हैं ऊपर से हल्की सी सेक गई हैं। हम सभी बाटियों को इसी तरह पलट देंगे। अब इसे फिर से ढक कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। हमारी रोटी है वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक गई है। अब रोटी को हम हटाकर डायरेक्ट गैस पर सेकेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। तो रोटी को हमने सेक लिया है। रोटी को हम किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब सभी रोटी को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी को हमें ठंडा करना है तो इसलिए हम रोटी को 2 से 3 टुकड़ों में बांट लेंगे। रोटी को हम इसी तरह सेक कर तैयार कर लेंगे। बाटियों को चेक कर लेते हैं।
तो हमारी पार्टी है वो हल्की हल्की सीख गई है, तो पार्टी को हमें उस तरफ से सीखना है जिस तरफ से वो अभी सीखी नहीं है, यानी कि कच्ची है। तो फिर से ढककर 10 मिनट के लिए इसे हम सेक लेंगे, तो रोटी को पलट देंगे, अच्छी तरह सेक लेंगे इसे। इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, इनको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम दाल बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने लिया है 1/4 कप सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, अच्छे से इनको कुक करेंगे। इसमें डालूंगा मैं 1 तेज पत्ता, इसमें मैं डालूंगा लहसुन जो मैंने छोटी छोटी काट ली है, इसमें डालूंगा मैं 3 कटी हुई हरी मिर्ची, इसे हल्का सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसमें मैं डालूंगा 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, प्याज को मैं अच्छी तरह कुक करना है। प्याज कुक हो जाए जब इसमें मैं डालूंगा 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, टमाटर को हम अच्छी तरह मैश होने तक कुक करेंगे। इतने में बाटियों को चेक कर लेते हैं, हमारी बाटियाँ लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें 5 मिनट के लिए हम और बेक कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पर। हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मैश हो गए, हल्दी से कुक हो गए। अब इसमें मैं डालूंगा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, इसमें डालूंगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर। इनको अच्छी तरह से कुक करूंगा। मसाले चिपके ना नीचे, इसलिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और मसाले अच्छी तरह को कुक कर लेंगे। तो हमारा मसाला अच्छी तरह कुक हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे उबली हुई दाल जो हमने उबाल कर तैयार की थी। इनको हल्के से मिक्स करेंगे। मैं डालूंगा 2 कप पानी, क्योंकि दाल बहुत ही गाढ़ी है, इसलिए दाल को थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें पानी का यूज़ कर रहे हैं। दाल को हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। अब हम बाटियों को हम चेक कर देते हैं, तो हमारी बाटियाँ हैं वो बेक होकर तैयार हो गई है। इसे ढक देंगे गैस की फ्लेम को बंद करके। हमारी दाल भी है वो उबल कर तैयार हो गई। दाल को हम किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जो मैंने रोटियां बनाकर तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी हैं। वो रोटी को हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने रोटी को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह। अब इस पाउडर को हम किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। बची हुई रोटी को भी इसी तरह हम पीस कर तैयार कर लेंगे और प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे।
अब एक कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया, उसमें डालूंगा मैं आधा कप देसी घी। घी को गर्म होने देना है। घी गर्म होने के बाद इसमें मैं डालूंगा लगभग 40 ग्राम काजू, जिसे मैंने दो भागों में बांट लिया है। ये हल्का सा कुक करेंगे लगभग 10-12 सेकंड तक। काजू जब कुक हो जाए तो हम इन्हें जल्दी से किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें मैं ले रहा हूँ लगभग 40 ग्राम बादाम, इन्हें भी हम 10-12 सेकंड के लिए हल्का सा कुक कर लेंगे। इन्हें भी हम वापस किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो हमने रोटी का पाउडर बनाकर तैयार किया था, उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है। अब इसे लगभग 5 मिनट के लिए हम मिलाते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो इसे हमने लगभग 5 मिनट तक सेक लिया है, घी एकदम मिक्स हो गया है रोटियों में। अब इसको हम ठंडा होने के लिए किसी बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे हम हल्का सा फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है। चूरमे को मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर खांड का यूज़ कर रहा हूँ, ये चीनी से थोड़ी बारीक आती है। आप चाहें तो तगार या फिर बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खांड को हम रोटियों के मिक्सर में डाल देंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वो नट्स डाल देते हैं जो हमने कुक करके तैयार किए थे। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ लगभग 25 ग्राम किशमिश। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, हमारा चूरमा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब बाटियों के ढक्कन को हटा देंगे। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप घी लिया है, उसे गर्म कर लिया है हल्का सा। अब हम एक बाटी लेंगे, बाटी को अपने हाथ से इस तरह हम फोड़ेंगे। बाटियों को हम घी के अंदर डुबोएंगे लगभग 10 सेकंड के लिए और इसे पलट देंगे। अब 10 सेकंड बाद बाटियों को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी खस्ता बाटियाँ बन कर तैयार हो गई हैं। बाटियों को हम कैसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह हम सभी बाटियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी बाटियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम दाल बाटी चूरमे को सर्व करेंगे, जिसके लिए प्लेट में एक कटोरी रखिए, उसमें डालेंगे दाल। साइड में रख देंगे एक कटोरी में थोड़ा सा चूरमा। साथ में रख देंगे दो बाटियाँ और रख देंगे साथ में थोड़ी सी कटी हुई प्याज और उस पर रख देंगे छोटा सा नींबू काट कर। साथ ही में रख देंगे एक चम्मच। दोस्तों, हमारा दाल बाटी चूरमा बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।